नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की 5 बड़ी खबरें। सलमान खान ने फिल्म उद्योग में अहन शेट्टी का स्वागत किया। रवि किशन तमिल फिल्मों में डेब्यू के लिए तैयार। सोनम और रणवीर को सोशल मीडिया पर देखने को उत्सुक है सनी। अनिल ने एटीएम लाइन में प्रशंसकों संग ली सेल्फी। प्रियंका की सरवन जनवरी 2017 में रिलीज होगी। मशहूर अभिनेता सलमान खान ने अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी का भारतीय फिल्म उद्योग में स्वागत किया है। सलमान ने ट्वीट कर बताया कि वह अहान द्वारा फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला की फिल्म साइन करने से खुश है। अभिनेता रवि किशन, जो दक्षिण की फिल्मों में तेलुगु फिल्मों में काम कर मशहूर हुए हैं और किक 2 और सुप्रीम जैसी सुपरहिट फिल्में भी दे चुके हैं, अब विक्रम की अगली फिल्म से तमिल फिल्मों में भी शुरुआत करने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि वह सोनम कपूर और रणवीर सिंह को सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप पर देखने के लिए उत्सुक है। यह पूछे जाने पर कि जिस तरह की मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च किया है वह किस अभिनेत्री के पास होना चाहिए, तो सनी ने कहा, मुझे लगता है सोनम कपूर को देखना दिलचस्प होगा क्योंकि वह विभिन्न देशों की यात्रा व खोज करती रहती है। हालांकि मैं बॉलीवुड के सारे कलाकारों को सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ। नोटबंदी ने सभी को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है, चाहे आम जनता हो या मशहूर हस्तियां। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर भी एटीएम से कुछ पैसे निकालने पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन में लगे अपने कुछ प्रशंसकों के साथ सेल्फी ली। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की आगामी पंजाबी फिल्म सरवन अब 9 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी 2017 को रिलीज होगी। प्रियंका की मां फिल्म निर्माता मधु चोपड़ा ने कहा, सरवन एक युवा एनआरआई की कहानी है जो भारत लौटकर अपनी जड़ों को खोजता है। हमने फिल्म को लोहड़ी वाले शुभ दिन यानी 13 जनवरी को रिलीज करने का फैसला किया है।